अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 6C एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/9 दैट हैज न्यूमरेटर 16। दैट मींस व्हाट वी हैव टू डू, हमें इस फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी है, बट देयर इज वन कंडीशन दैट द न्यूमरेटर शुड बी 16। सो हियर इट इज इक्विवेलेंट ऑफ 4/9 वेयर न्यूमरेटर विल बी 16। अभी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 4/9 इक्वल्स टू 16 अपॉन, एज अभी फिलहाल ये रेड से लिखा है, बट अभी पहले आप ये समझ लें कि यहाँ पे ब्लैंक है। ओके, सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू चेक कि मैं 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ या डिवाइड करूँ जो 16 आए। सो इफ आई सी इट्स लाइक 4 × 4 इज 16, राइट। अब ये इक्विवेलेंट है, दैट मीन्स जिससे मैं न्यूमरेटर को कर रही हूँ उससे ही मुझे डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना होगा या डिवाइड, जो भी कर रहे हैं। सो 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इज 16, दैट मीन्स दिस 9 मल्टीप्लाई बाई 4 विल बी माई आंसर। सो 9 मल्टीप्लाई बाई 4 इज 36। दिस एरो इज रिप्रेजेंटिंग दैट वी आर मल्टीप्लाइंग फ्रॉम दिस साइड, दैट मीन्स फॉरवर्ड मल्टीप्लीकेशन हो रही है। ओके, सो इट्स 16 अपॉन 36। नाउ द सेकेंड पार्ट इज द इक्विवेलेंट ऑफ 4/9 वेयर द डिनोमिनेटर इज 81। रेड वाले को आप फिलहाल ब्लैंक समझें, इट्स 4/9 इक्वल्स टू ब्लैंक अपॉन 81। सो 9 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 81 आएगा, इट्स 9 मल्टीप्लाई बाई 9, दैट मीन्स अब मुझे न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई बाई 9 ही करना होगा। सो इट विल बी 4 मल्टीप्लाई बाई 9, दैट इज 36। नाउ द फोर्थ पार्ट इज 24। सो उसी तरीके से 4/9 इक्वल्स टू 24 अपॉन ब्लैंक। तो अब मैं 4 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 24 आएगा, इट्स 4 मल्टीप्लाई बाई 6, दैट इज 24। दैट मीन्स मुझे डिनोमिनेटर में भी 6 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। सो 9 मल्टीप्लाई बाई 6 इज 54। एंड द फाइनल पार्ट दैट इज वेयर द डिनोमिनेटर शुड बी 45। सो इट विल बी, इट्स 9 5 आर 45, सो इट विल बी 4 × 5 20। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 27/36 बाई फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ दिस एट द रेट इक्वल्स टू, हेयर यू कैन सी। अभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस स्टूडेंट्स वो होती हैं जिसमें हमारे जो वैल्यूज हैं वो चेंज ना हो, मतलब ये इसके इक्विवेलेंट है। वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनती कैसे है, जिससे हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे उसी से हमें डिनोमिनेटर को भी करना होगा। ओके, सो हेयर इट इज, आप अभी रेड वाले को इग्नोर समझें, दैट इज ब्लैंक फॉर नाउ। सो हेयर इट इज 27/36 इक्वल्स टू 3/ब्लैंक। सो 29 को मैं किससे क्या मल्टीप्लाई या डिवाइड करूं जो 3 आए। सो दैट मीन्स 27 डिवाइडेड बाई 9 विल बी 3। सो डिनोमिनेटर भी 9 से ही डिवाइड करेंगे, सो इट विल बी 4। अब यहाँ पे 24 है, सो 4 × 6 इज 24, दैट मीन्स 3 × 6 विल बी 18। यहां तक क्लियर है। अब यहाँ पे 18/24 इक्वल्स टू 54/- इज, सो 18 × 3 इज 54, दैट मीन्स 24 × 3 विल बी 72। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इक्विवेलेंट ऑफ 1/4 दैट इज हैविंग अ न्यूमरेटर 3। इट इज सेम एज द क्वेश्चन नंबर 1, सो इट्स 1/4 इक्वल्स टू 3/ब्लैंक। सो इट इज 1 × 3 इज 3, सो 4 × 3 विल बी 12। सो हियर इट इज 1/4 इक्वल्स टू ब्लैंक अपॉन 8। 4 × 2 इज 8, दैट मीन्स 1 × 2 विल बी 2। देन द क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 इज न्यूमरेटर शुड बी 7। सो 1 × 7 इज 7, सो 4 × 7 विल बी 28, एंड हेयर 1/4 इज ब्लैंक अपॉन 20, दैट मीन्स 4 × 5 इज 20, सो 1 × 5 विल बी 5। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3। सी यहाँ पे 2/3 है, इसके मुझे 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं। वो कैसे लिखे जाएंगे, आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस फ्रैक्शन एंड डिवाइड विद द सेम नंबर, दैट मीन्स 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, सो इट विल बी 4/6। देन 3 से करेंगे 6/9, फिर 4 से करते हैं 8/12, देन 5 से करके 10/15। सिमिलरली इन द सेकेंड पार्ट यही करेंगे, आप कोई भी नंबर ले सकते हो 5, 6, 7, बट द थिंग इज जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी से डिवाइड भी करना होगा। सो इट इज 4 × 2 इज 8, 5 × 2 इज 10, देन 3 से करके इट्स 12/15, देन 4 से करके इट्स 16/20, देन वी हैव आफ्टर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 5 इट्स 20/25। नाउ द थर्ड पार्ट इज बाई मल्टीप्लाइंग बाई 2 इट इज 18/24, देन 27/36, देन 36/48, एंड फॉर द फाइनल इट्स 45/60। आई एम टेकिंग द नंबर्स इज 2, 3, 4, 5, यू कैन टेक एनी नंबर, यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई बाई 7/7, और यू कैन डिवाइड इट ऑल्सो, डिवाइड बाई 3, इट विल बी 3/4, फिर आप करके कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू आप कौन सी फ्रैक्शन ले रहे हैं, बिकॉज ये सारी ही इक्विवेलेंट होंगी जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम नंबर से करेंगे। ओके, सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे।